नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज, मैं हूं संतोष कुमार। यह प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर साहेबपुर कमाल, आप तो उसको देख सकते हैं। यहां का रवैया है कि अभी तक जो क्वारंटाइन है लोग, इनको नाश्ता नहीं मिला, इनको ने अभी तक नाश्ता नहीं मिला है। शायद पदाधिकारी हो जाए हैं, एक मिनट चाहिए और मुलाकात भी हो जाए। और इनका कहना है कि बिल्कुल यहाँ अलाउड नहीं है किसी पत्रकारिता के लिए या किसी दूसरे आदमी के लिए, जबकि जो मैं प्रत्यक्ष में देख रहा हूँ यहाँ जो गैदरिंग है ना, सोशल डिस्टेंसिंग आप जरा दिखाइए। देखिए मजदूर एक तरह से धरने पर बैठे हुए हैं, ये एकत्रित होकर बैठे हुए हैं, ये नियम नहीं है। जरा ऊपर पीछे दिखाइए, वहाँ दिखाइए, ऊपर दिखाइए, ये देखिए। यदि अंदर जाकर के पूछने की कोशिश किया गया, अधिकारी हो गया, स्वास्थ्य कर्मी है क्या? अभी जो एक आदमी के सिस्टम है उस सिस्टम के समय अभी तक नाश्ता नहीं हो जाना चाहिए एक आदमी का? क्या टाइम हुआ, टाइम कितना होगा देख सकते हैं। लेकिन यहाँ रूटीन के मुताबिक ये बता रहे हैं कि प्रतिदिन ये बोलने के लिए आज है तो कल से इनको चना मिल जाएगा, क्या ये इंसानियत है? हम आदमी की बात कर रहे हैं, एक आदमी को नाश्ता अभी तक मिलना चाहिए था, नहीं मिला। इनका कहना है कि इस क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को रखा गया है, आप देख रहे हैं रखा गया है। आप क्वारंटाइन है क्या सर? यहाँ कैसे खड़े हैं सर? मतलब यहाँ खड़ा है कि जो यहाँ नजदीक में रहने वाला है वो तो अपना घर से मंगा लेता है जी। जो बाहर दूर में है वो कैसे मंगाएगा? अभी 12 बजने वाला, अभी तक कोई नाश्ता नहीं, खाना में अभी खाना बोल रहा है खाने के लिए, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जो नजदीक लाइट जाती है तो लाइट व्यवस्था है यहाँ पर? नहीं, लाइट जाता है, लाइट आता है जाता है, आता जाता है, कंटिन्यू नहीं रहता है, लाइट कटने के बाद आता है जाता है। सिर्फ सिद्धांत की बात है, आप हिटलर शाही कह सकते हैं कि यहाँ का जो पदस्थ कर्मचारी है उनका सिर्फ कहना है कि किसी के लिए हमें इतना बताया है, किसी को अंदर आने नहीं देना है। उस गेट से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बात हो सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर बात हो, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ से अंदर नहीं आने देना है। मतलब एक हिटलर शाही के रूप में बस इनको कैद करके रखना है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है इनको कैदी बनाकर रखे या क्वारंटाइन बनाकर रखे। धन्यवाद आपका।